प्रियंका अंकित के बीच हुई जमकर फाइट, वजह बने शालीन। शालीन जो कि अपने खाने पीने को लेकर काफी पंचुअल हैं, उनको टाइम पर हर चीज चाहिए, जिसकी वजह से बिग बॉस भी अब उनको टॉन्ट मारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी मुद्दे को नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ चिकन चिकन की बात करते हैं और काफ़ी मेडिकल इश्यू के बारे में भी उनकी बात हो चुकी है शो में। अब यहाँ पर प्रियंका से उनकी बहस होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर प्रियंका शालीन को कह रही है कि औकात की तो बात करना ही मत, जिस पर शालीन उनसे कह रहे हैं कि थोड़ी आवाज़ धीमी करो, अपनी थोड़ी आवाज़ धीमी करो। तो इन दोनों की बहस हो रही है, जिसमें प्रियंका ये भी कह रही है कि इसके जो है ना मेडिकल इशू रहते हैं, हर वक्त यही कहता रहता है मेडिकल इशू, ये सारी चीज़ें कहता रहता है, जिस पर अंकित प्रियंका को समझाते हैं कि एक ही बात रगने से एक ही बात को 50 बार बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बंदा तुम्हारी बात को नहीं समझेगा। यहाँ पर अंकित उनको समझाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं शालीन और प्रियंका की जो फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रियंका को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। इसी वजह से यहाँ पर अंकित उनको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लड़ करके कोई भी फायदा नहीं। अंकित यहाँ पर कहते हैं कि एक जनरल सी बात बोल दे और वहाँ पर ख़त्म कर दे, इस टॉपिक को इतना बड़ा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, एक जनरल सी बात बोल दे। जिस पर प्रियंका कहती है कि आपने ये अपना ये एटीट्यूड ना अपने पास रखो। साजिद खान भी वहाँ बैठे होते हैं, तो साजिद कहते हैं कि इसका ही कोई एटीट्यूड नहीं है, जिस पर प्रियंका कहती है कि मैं उसको 2 साल से देख रही हूँ, उसका ये एटीट्यूड ही है। और अंकित को भी गुस्सा आ जाता है कि ठीक है तू दो साल से देख रही है, मेरा एटीट्यूड ठीक है। तो इस पर इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, क्योंकि प्रियंका को शालीन का जो बिहेवियर है उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही होती है। अब बिग बॉस के घर में अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखोगे तो कल को यही सारे कंटेस्टेंट आ करके चढ़ेंगे कि आप दिखते नहीं हो, जिसके बाद आपको नॉमिनेट करेंगे, जैसे कि सुंबुल के साथ हो रहा है। अगर आप चुप रहोगे तब भी आपको बोला जाएगा। तो यहाँ पर प्रियंका भी अपनी जगह पर सही है और अंकित जो कि उतना नहीं बोलते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगता है कि किसी के फालतू मुद्दे में नहीं आना है, अगर बात थोड़े से उससे ख़त्म होती है तो ख़त्म करनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों कमेंट करके बताएं इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कौन सही था इस लड़ाई में।